अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? मुझे सब खैरियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम बना रहे हैं अरबी गोश्त, आइए मैं आपको पकाना सिखाती हूँ। तो गाइस, हमारा भगोना गर्म हो रहा है, इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ हमारा सालन पक रहा है, लौकी गोश्त पक रहा है मेरे लिए, ये बन रहा है बच्चों के लिए। ये डलेगी प्याज, 1/2 किलो के करीब प्याज है, ठीक है ना। हम हल्की सी ब्राउन करेंगे प्याज को, इसमें डालेंगे गोश्त। तो भाई, अब मैं बोलने लगी हूँ, जो न्यू है सब्सक्राइब करें, रेगुलर देखने वाले हैं तो लाइक करना ना भूला करें। आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, अगर वीडियो आप पूरी वॉच करते हो तो लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अच्छा, इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला और इसमें जाएगा थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। मुझे इतने सारे एक साथ छीके आ गए, नज़ला आ गया मेरे को भी। ये हल्की सी ब्राउन हो जाए फिर मैं डालूँगी इसमें गोश्त। लहसुन अदरक 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं गोश्त के अंदर ही। मेरे पैर की तकलीफ कम नहीं हुई, पता नहीं क्यों, अब खड़ी भी ना ज़्यादा ज़ोर आ रहा है इसमें। छोटे भगोने मैंने अपने लिए चढ़ाया है गोश्त, लौकी गोश्त, बड़े वाले में चढ़ा रहा है सबके लिए अरबी गोश्त। किचन में भी गर्मी हो गई है। ये देखिए, लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। हाफ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है गोश्त का, इसको जलाएं। ये नॉन स्टिक का भगोना इतना अच्छा है, मज़ा भी आता है खाना पकाने में और कोई चीज़ जलती नहीं है इसके अंदर में। बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, टमाटर, व्यूअर्स को भी मज़ा आता होगा इस वाले भगोने में देखने में, क्या बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें हमने प्याज ब्राउन करी, प्याज में गरम मसाला ज़ीरा डाला, उसके बाद गोश्त डाला, लहसुन अदरक हल्दी नमक और टमाटर, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसमें 1 टीस्पून जाएगा, 1.5 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, अब इसको भून के हम डालेंगे इसमें पानी, फिर हम इसको पकने छोड़ देंगे 1/2 घंटे तक।
तो गाइज इसको हमने भून लिया, गोश्त का अच्छा तेरा पानी सूख गया। अब इसमें पानी डाल के हम इसको आधा एक घंटा पकाएंगे, जब तक गोश्त ना गल जाए। ठीक है, अब इसको हम जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता हम इसको पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए वेट करें। तो वेलकम बैक गाइज, ये देखें हमारा सालन भुनने में है, भुनने वाला है। अब इसको हम भुनेंगे आपके सामने। माशाल्लाह, देखूँ गोश गला के नहा गला। ये देखिए, ये देखिए गल गया, गल गया गोश्त, अच्छी तरह गल गया माशाल्लाह। हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे ताकि ये प्याज मैश हो जाए। ठीक है, अगर आपको हमारे कुकिंग की वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं। और हम लोग रोज़ लाइव वीडियो बनाते हैं, वो कैसी लगती है तो कमेंट करके बताएं। अब हम अरवी डाल के भी अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है, अरवी बादी होती है तो मेरे को परहेज है, अरवी मैं नहीं खा सकती। मैंने अपने लिए लौकी गोश्त बनाया। इसमें जाएगा 1.5 गिलास पानी। शोरबा आप अपने फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए भुन गया ना अच्छी तरह। ये देखिए मसाला अलग हो गया, ऑयल अलग आ गया। ये आपको साइडों में ऑयल नजर आ रहा होगा ना। चलो अभी अच्छी तरह और भून जा, फिर मैं डालती हूँ पानी। भिंडी में, अरबी में होता है लेस। तो देखिए हमारा ये अरवी डाल दी हमने, इसके हम इसमें हम डालेंगे हम 2 गिलास या 1.5 गिलास पानी। फैमिली के हिसाब से अपना शोरबा बनाएंगे हम। ठीक है ना, फिर अरवी गलने देंगे, फिर आपको फिर डिश आउट करके दिखाते हैं।
शोरबा इतना बनाया है, दरमियाना है ना पतला है ना गाढ़ा है। अब अरवी गलने छोड़ देंगे, अरवी गल जाते तो फिर आपको डिश ऑफ करके दिखाते हैं, ठीक है। जब तक के लिए वेट कीजिए, वेटिंग फॉर यू। हाँ तो गाइस हमारा देखें अरवी गोश्त माशाल्लाह कितना धुआंधार तैयार हो गया। अब हम डिश आउट करने लगे हैं, ऐसे दिखा दूँ डिश की ज़रूरत है, डिश की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस देखिए हमारा अरवी गोश्त हो गया तैयार, लेसदार मज़ेदार, बार बार ट्राई करें आप, लगातार है ना, बार बार लगातार आप ट्राई करें, खाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आजकल सीज़न की अरवी आई हुई है, छोटी छोटी जायकेदार। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अरवी गोश्त की? अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और न्यू सब्सक्राइब वालों को वेलकम हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे वेलकम। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।